नृत्यतां श्रीपतेरग्रे तालिकावादनैर्भृशम् उड्डीयन्ते शरीरस्थाः सर्वे पातकपक्षिणः अयि वार्तावली वीक्षकाः संस्कृतसमीक्षकाः अस्मदीयाः प्रियाः दर्शकाः एतस्मिन् क्रमे आगम्यमानं विश्वनृत्यदिवसमालक्ष्य वार्तावल्यां नृत्यविशेषाङ्कं प्रस्तोतुं सिद्धाः वयम् तावत् एतदर्थम् अहं पुनरपि आगतः भवत्समक्षम् एष नारायणदत्तः स नमः दर्शकाः नृत्ये गीते संगीते किं वा काव्यदिषु वा सदा अधिकाधिकं संस्कृततत्त्वं ज्ञातुकामेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहमपि नीतीश भारद्वाजः समर्पयामि स्वकं नमः दर्शकाः सविलासोऽङ्ग विक्षेपो नृत्यमित्युच्यते बुधैः इति साधारणीं परिभाषां तु जानीयुः एव भवन्तः परं नृत्यं हि कियत् लोकोपकारी इति ज्ञातुं सम्प्रति सरामः वयं सुभाषितक्रमं प्रति यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यामर्त्या व्यैलबः युद्धन्ते यस्य माक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः इस पृथ्वी पर एक ओर युद्ध है दूसरी ओर हर्षपूर्वक गायन व नर्तन भी है इस पृथ्वी पर हम शत्रु रहित हों जिससे हम युद्धों से ऊपर उठकर जीवन का आनंद ले सकें May she our motherland, whereon men sing and dance, whereon warriors battle with varied shout and noise, and the war cry and the drum resound, may she drive off our foemen, may earth rid us of any foe. Satyam, युद्धादीनाम् आशंकाभिः संततम् संत्रस्ताः वयं मानवाः तत्काले एतत्काले च अनुभवामः एव पीडिताः इव तथा भूतं पीडनं न कश्चन अपि जनः अनुभवेत् नाम तदर्थं नृत्यादि कलानां तु सिद्ध्यति एव सार्वकालिकी प्रासंगिकता उचितम् उच्यते दर्शकाः प्रासंगिकताम् आश्रित्य एव कार्यं सम्पादयामः वयम् अतः अधुना प्रवाही वार्तानां प्रासंगिकताम् अनुभवन्तु भवन्तः लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य तृतीय चरणाय अपि राजनीतिक प्रचारः तीव्रतया प्रचलति तत्रैव आसप्ताहं सर्वेषां राजनीतिक दलानां प्रमुख नेतारः देशस्य विभिन्न राज्येषु प्रचार कार्ये संलग्नाः दृष्टिङ्गताः भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी गृहमन्त्री अमित शाहः कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे अथ च अन्य दलानां नेतारः प्रचाराभियाने संलग्नाः सन्ति लोकसभा निर्वाचनानां द्वितीयचरणस्य मतदानं पूर्णमभवत् द्वितीयचरणे मतदानं 60.96% अंकितं मतदानं द्वादश राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 88 निर्वाचनक्षेत्रेषु एतस्मिन् चरणे अभवत् उच्चतमन्यायालयः ईवीएम इति मतदानाङ्कनयन्त्रेण अथ वीवीपैट इति विपत्रितवैद्युदाण्विकमतदानाङ्कनयन्त्रेण सम्बद्धे प्रकरणे स्वीयं महत्वपूर्णं निर्णयं प्रकाशितवान् शीर्षन्यायालयः ईवीएम इति मतदानाङ्कनयन्त्रे स्थापितस्य मतदानस्य वीवीपैट इति विपत्रितवैद्युदाण्विकमतदानाङ्कयन्त्रस्य पत्रेण समं 100% मेलनपरां याचिकां नैव स्वीकृतवान् सहैव शीर्षन्यायालयेन एतादृशी सकलविधा याचिका अपि निरस्ता दिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र आपदा प्रतिरोधी संरचनापरम् ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनम् आयोजितम् अभवत् एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सम्बोधने उक्तवान् यत् गतेषु वर्षेषु आपदा प्रतिरोधी संरचनापरा वृद्धिः प्रभावशालिनी सिद्ध्यति या शुभं भविष्यं प्रति सूचयति इति
तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तृतीय दीक्षांत समारोहस्य अभवत् आयोजनम्। तत्र मुख्यातिथि रूपेण उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः उपस्थितः आसीत्। कार्यक्रमावधौ स्नातकेभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः च उपाधयः स्वर्णपदकानि च प्रदत्तानि। उपराष्ट्रपतिना संस्कृतं देवत्वभाषा इति निरूपितवान्। तेन उक्तं यत् संस्कृतं भारतीय समाजस्य जीवनदर्शनस्य च आधारभूतमस्ति इति। दृष्टाः अस्माभिः संक्षिप्तीकृताः साप्ताहिक्यः प्रवाहिवार्ताः। कः क्रमः कार्यक्रमे इति विभावयन्तु अधुना प्रियदर्शकाः। भवतु, अहमेव भावयामि सक्रमं सर्वेभ्यः। कवयति पण्डितराजे कवयन्त्यन्येऽपि विद्वांसः, नृत्यति पिनाकपाणौ नृत्यन्त्यन्येऽपि भूतवेतालाः। अपि शङ्करम् आश्रित्य किमपि विशिष्टं प्रस्तोतुं सिद्धः भवान्? न साक्षात् तथा, परं नटराजं नृत्यराजं च शङ्करं प्रति प्रणतः अहं सिद्धः नृत्यविशेषाङ्के संक्षेपेण भारतीयज्ञानकलावैभवख्यापकं नृत्यतत्त्वं विशदयितुम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्, आहार्यं चंद्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्। एकत्र नटराजः शिवः स्तूयते एतेन श्लोकेन, अपरत्र नाट्यस्य नृत्यस्य च आधारभूतः अभिनयप्रकारः निरूप्यते। वस्तुतः अभिनयप्रकारान्तरहितमेव जायते निरूपितं नृत्यं समग्रम्। यतः तालमानयुक्तं सविलासाङ्गविक्षेपरूपं हि भवति नृत्यं, यद् मुग्धं करोति चित्तं सभावं समेषाम्। का प्रकृतिः आधारभूमिः च भारतीयवाङ्मयपरम्परायां माहेश्वरसूत्राधारस्य नृत्यस्य इत्येषा हि सहजा जिज्ञासा उदेति सहृदयचित्ते चेत् सा शाम्येत एवम्। प्राचौ अगामन् रतये हसाय इति तत्र ऋग्वेदस्य मृत्युसूक्ते उक्तं, वयम् आनन्दाय नृत्याय च जगति पुनः परावर्तामहे इति ऋषयः तत्र आमनन्ति। अथर्वेदे च यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः इति पृथ्वीसूक्ते उक्तम्, अस्यां धरित्र्यां मानवाः गायन्ति नृत्यन्ति च इति वर्णनं तत्र कृतम्। सा नृत्यकला शिवेन तण्डुना भरतमुनये उपदिष्टा, शिवः तण्डुमुनिना शिक्षयति भरतमुनिम् इति तत्र वर्णितम्। गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं वाद्यादुत्तिष्ठते लयः, लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्तते इत्येवं हि नृत्यतत्त्वं समग्रतः पश्चाद्वर्तिषु भारतीयग्रन्थेषु व्याख्यायितम् आप्यते। अथ च नृत्यताण्डवलास्य देश्यादि प्रकारेषु आधुनिकः पारम्परिकः अपि कथञ्चन नृत्यार्थः स्वरूपान्तरैः सह विशदितः जायते। अत्र अत्यन्तप्राचीनपरम्पराश्रितायाः नृत्यकलायाः अन्यानि शास्त्रीयस्वरूपाणि कथमिव विकसितानि इत्यस्य उत्तरम् आप्यते एवम्। इयं नृत्यकला आसहस्राब्दं भारते विकसमाना आसीत्। आधुनिके काले रुक्मिणी अरुण्डेलवर्यया तत्र दक्षिणभारते साधिरनृत्यं कुर्वन्त्यः नृत्याङ्गनाः वाराङ्गनाः दृष्टाः, दासियाट्टं वा कुर्वन्त्यो दृष्टाः। सा नृत्यशैली ताण्डवलक्षणं भरतमुनिप्रणीतम् अनुहरतीति तया प्रत्यक्षम् अनुभूय पुनराविष्कारः अस्याः नृत्यकलायाः विहितः इति आशिवात् नटराजात् आधुनिककालं यावत् संक्षिप्य नृत्यकलायाः इतिहासः अस्माभिः वर्णयितुं शक्यते। महादेव
नाट्यशास्त्रादिग्रन्थेषु निरूपितानि ततः ससमयं च समक्षमागतानि परिष्कृतिपथं च प्रापितानि एतानि एव नृत्यस्वरूपाणि भवन्ति अभिव्यक्तिसाधकानि शरीरसौष्ठवसंवर्धकानि अध्यात्मतत्त्वं प्रति च प्रापकाणि पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यम् To dance is our nature, not just dance. All the Lalita Kalas are expressions of our deepest search for truth. Natyam is yoga, and just as yoga can help us to move towards higher states of chitta shuddhi, so can Natyam, Sangeetam, and all forms of Kala. नृत्यं हि जीवनार्थं भारतीय कला परंपरायाः विशेषतः समुद्घोषणार्थं च अस्ति नूनं अलंकारस्वरूपम् नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज अपि जानाति नीतिशा यत् कः अस्ति अस्मदीयः अद्यतनः संवादसरण्याम् आहूतः अतिथिविशेषः इति आम् जानामि यतः विश्वनृत्यदिवसः अस्ति अचिरात् अनुष्ठीयमानः अतः विशेषसंवादाय अपि अस्माभिः सुप्रथिता कुचिपुडिनृत्याङ्गना अभिनया नागज्योतिवर्या अस्ति आहूता या हि बाल्यकालादेव भारतीयशास्त्रीयनृत्यकलायां प्रविष्टा सत्यम् गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं वाद्यादुत्तिष्ठते लयः लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्तते इति अतः अधुना तु साक्षात् आयान्तु दर्शकाः पश्यामः अस्मदीय सहयोगिन्या लता वशिष्ठ इत्यनया साधितं साक्षात्कारांकनम् एतत् भारतीय नृत्य परंपरा अतीव प्राचीना अस्ति सहस्र वर्ष पुरातनी अस्ति भारतीय परंपरायां नृत्य विधायाः अतीव महत्वम् अस्ति अद्य एतस्मिन्नेव विषये सविस्तरं ज्ञातुं चलामः प्रथितां कुचिपुडि नृत्यांगनां अभिनया नागज्योतिं प्रति नमस्कारः नमस्कारः सर्वादौ तु अहम् एतत् प्रष्टुम् इच्छामि यत् शास्त्रीयं नृत्यं तथा भवत्याः जीवनेन सम्बद्धम् अस्ति बाल्यकालादेव भवती शास्त्रीयनृत्येन सम्बद्धा अस्ति तर्हि शास्त्रीयनृत्यं भारतीयं शास्त्रीयनृत्यं बालानां सर्वाङ्गीणविकासे कथं महत्त्वपूर्णं योगदानं कर्तुं शक्नोति बहुत बहुत जरूरी है एक्चुअली जो हमारा डांस का ट्रेडिशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन वाचिकम अभिनयम and everything that is included for personality development. तो एक जब बच्चा एक छोटे उम्र से जब बड़ा हो रहा है तो उसका एक होलसम डेवलपमेंट तभी होता है जब वो अपने रूट्स को समझता है हमारे जो जड़ें हैं वो बहुत पुराने हैं वेरी एंशियंट दे आर और उन जड़ों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और ये हमारा ड्यूटी है ये हमारा कर्तव्य है कि हम नेक्स्ट जनरेशन तक इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म्स को हम अपने अगले जनरेशन्स को समझाएं दिखाएं और उनको इसके बारे में एक अवेयरनेस लेकर आएं उनके माइंड्स में ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो ये नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर माइंड भरत मुंडे नाट्यशास्त्रम संस्कृतेन निबद्धम अस्ति तर्हि संस्कृतज्ञानं कियद् आवश्यकम् अस्ति नृत्यविधायाः ज्ञानार्थं भरताज् नाट्यशास्त्र स्पीक्स् अबौट् टू मेन् एलिमेण्ट्स् दट् इस् नृत्य एण्ड् नाट्य नाट्य जो है वो डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस है एक जो भी आप स्टेज के ऊपर कार्य कर रहे हैं एक आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं वो नाट्य है नृत्य जो प्योर डांस फॉर्म है जिसमें टेक्निक होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाथ यहाँ रखूँ और ताम दिगी दिगी तई तत्ताह कुचिपुड़ी में अगर मैं ये करती हूँ इसका मतलब कुछ नहीं है लेकिन इसके बेसिस पर उसका पूरा टेक्निक डेवलप होता है अब संस्कृत की बात अगर हम किताबें पढ़ें और थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें तो संस्कृत डेवलपमेंट में
दो फेजेस को माना जाता है कई स्कॉलर्स द्वारा. एक है जो फर्स्ट सेंचुरी सीई से लेके फोर्थ सेंचुरी सीई तक, जब हम संस्कृत टेक्स्ट को नॉट ओनली यू नो रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं लेकिन पोएटिक पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं. कालिदास से लेके एवरीबडी, आप जितने भी थिएटर ड्रामा डांस के बारे में जिन्होंने भी लिखा है वो फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी सीई के बीच में ही यू नो एक एक काइंड ऑफ एवोल्यूशन आ रहा है इन संस्कृत टेक्स्ट एज वेल. दूसरा एक एवोल्यूशन आता है, एक डेवलपमेंट आता है बिटवीन 10th टू 11th सेंचुरी, जहाँ पे रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो अपनी टेक्स्ट बना के संस्कृत के बेसिस को लेके अपने अपने टेक्स्ट बना रहे हैं, चाहे वो तेलुगु में हो, कन्नड़ा में हो या किसी भी और रीजनल लैंग्वेज में हो. तो ये एक मेजर मैं कहूँगी एक डेवलपमेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्चुअल प्रोसेस ऑफ संस्कृत. तो जब हम इन संस्कृत टेक्स्ट को जब तक नहीं समझेंगे और जब तक हम अपने रूट्स को नहीं समझेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनीबडी अंडरस्टैंड अबाउट यू नो आर्ट फॉर्म्स और डांस परफॉर्मेंसेस. तो हमारा बहुत एक एम्फेसिस होता है सारे स्टूडेंट्स जितने भी लोग यहाँ पे सीखने आते हैं उन सबको कि सबसे पहले हम संस्कृत के श्लोक से ही शुरुआत करें. प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम. जब भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिखने की शुरुआत करते हैं तब इस श्लोक के साथ ही शुरुआत करते हैं. वो पहले नमस्कार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को और उनसे परमिशन मांगते हैं कि मैं नाट्यशास्त्र लिखना चालू शुरुआत कर रहा हूँ. नृत्य कला भक्ते ही पराकाष्ठां प्रदर्शयति, भक्ते ही माध्यमत्वेन नृत्यम वयम अवगच्छामः. तर्हि तत्र कुचिपुडीति नृत्य विधा कथम जनमानसम आराध्य देवम स्मर्तुम तत्र शक्नोति इति ज्ञातुम इच्छामि. बिल्कुल, एक्चुअली कुचिपुड़ी एक भागवतमेला नाटकम ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ही आज का कुचिपुड़ी बना है. सो इसका हिस्ट्री अगर हम देखें तो नियर अबाउट 13th सेंचुरी से ही इसका शुरुआत होता है. भगवत आराधना, भगवत पुराण को एज अ बेसिस रख के जो स्मार्ता शैवा ब्राह्मण थे उन लोगों ने इस टेक्स्ट को अपने सामने रखते हुए उसके सारांश को लेते हुए उसके ऊपर म्यूज़िक डांस कोरियोग्राफी करते हुए लोगों के सामने प्रदर्शन करना शुरू किया था. और ये लोग किस बारे में परफॉर्मेंस करते थे, दिस वाज अबाउट द एसेंस ऑफ भागवत पुराणा. सो भक्ति और कुचिपुड़ी बहुत दूर नहीं है, भक्ति ही कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी ही भक्ति है. काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च है इसके बारे में लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. इस हस्त को हम अंजलि बोलते हैं. अब अंजलि का प्रयोग हर एक पोजीशन में अलग हो जाता है. अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसका मीनिंग अलग है, जब हम इसको माथे के सामने रखते हैं इसका मीनिंग अलग हो जाता है, जब हम अपने वक्ष स्थल के सामने रखते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है. तो जब हम इसको ऊपर रखते हैं दैट इज़ यहाँ पे फोरहेड के ऊपर या हेड के ऊपर जब हम रखते हैं, देवतानाम सिरस्तस्तु गुरु नाम आस्य संस्थितः वक्षस्थश्चैव विप्राणाम शेषेत्व नियमो भवेत. इवन हम एग्जाम्पल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी में डिफरेंस अगर हम जानना चाहते हैं तो नाट्यधर्मी में अगर मैं अपने मुद्रा को, इसको हम त्रिपताका कहते हैं इस हस्त को, अगर मैं इसको अपने हेड के सामने रख के तो ये एक राजा को दर्शाता है लेकिन ये नाट्य धर्मी के अंडर में आता है. लोकधर्मी में अगर मैं सच्ची में मुकुट को सर पे पहन लूँ तो फिर ये लोकधर्मी में आ जाता है. सो रीजनल आइडेंटिटीज विल चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट हाउ यू आर यूजिंग योर बॉडी, हाउ यू आर यूजिंग योर सेट्स. भारतीय नृत्यम प्रति समुत्सुकानां दर्शकानां कृते भवत्याः कः संदेशः भविष्यति, विशेषतः कुचिपुड़ी नृत्यम अधिकृत्य. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम समझते एक फेस्टिवल ही है अपने में. 29 अप्रैल को हम एक इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ आपको देखने को मिलेंगी पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में.
कि सेलिब्रेट हम एज डांसर्स हम करते हैं, क्योंकि ये एक दिन होता है जब डेफिनेटली हम सबको प्रदर्शन करना ही है. सो एक मोटिवेशन भी मिलता है यंगस्टर्स को कि वो लोग भी आके डांस सीखें. और हमारा ये जो बैकग्राउंड है इतना लंबा, जो कई कई यू नो सेंचुरीज से चला आ रहा है, उसको हम दर्शाते हुए नेक्स्ट जेनरेशन को हम मोटिवेट करते हैं कि वो भी आके कुचिपुड़ी सीखें. एंड नाट्य शास्त्र की जहाँ तक बात है, जब हम देखते हैं उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है, जब हम देखते हैं, नतत ज्ञानम नतत शिल्पम नसा विद्या नसा कला नासौ योगो नतत कर्माण नाट्यस्मिन यन्नत दृश्यते. दैट मीन्स नाट्य में ऐसा कुछ नहीं है जो इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सब है. इसमें योग मिल जाएगा, इसमें शास्त्र मिल जाएगा, दैट इज़ नॉलेज मिल जाएगा, इसमें विद्या मिल जाएगा, इसमें शिल्प मिल जाएगा. शिल्प दैट इज़ यू नो आर्किटेक्चरल ब्यूटी और यू नो स्कल्पचरल ब्यूटी दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट. इसमें रसा मिल जाएगा. इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो लेफ्ट आउट हो. इसमें साइंस है. सो एक बॉडी एनाटॉमी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है. और नाट्यशास्त्र में बताया जाता है हर एक अंग का एक अपना योगदान है परफॉर्मेंस के लिए. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, जो हमारे सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज है, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए. ये रूट्स है. इस रूट्स को हमें पढ़ कर समझ कर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है. अस्तु, बहु शोभनम. भवती यथा अत्र स्पष्टतया उक्तवती तेन एतदेव स्पष्टं भवति यत् नाट्यशास्त्रस्य ज्ञानेन मानवस्य न केवलं कलायाः मानवेषु न केवलं कलायाः विकासः भविष्यति, प्रत्युत मानवस्य सकल विकासः अपि भवितुं शक्नोति. बहु शोभनम. वार्तावली कार्यक्रमाय भवती स्वीयं समयं प्रदत्तवती, तदर्थं भवत्यै बहु धन्यवादाः. नमस्कारः. अधुना तु नृत्यकला वैशिष्ट्य प्रकाशकं संवादं श्रुतवन्तः दृष्टवन्तः वा वयम्. अधुना संगीतमपि यत्र नृत्यं सहजतः भवति समन्वितं, तस्य एव स्वरूपं साम्प्रतं समीक्षितुं संस्कृतसङ्गीतक्रमं प्रति सरामः, पश्यामः च संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीम् अद्यतनीम्. दर्शकाः, सम्प्रति संस्कृतमये सङ्गीते एव निमग्नाः भवन्तः कार्यक्रमस्य विषये स्वकीय विचारजातम् अवश्यम् अस्मभ्यं लिखन्तु. तदर्थं च अस्माकम् अधोलिखितं सङ्केतादिकं नूनं यथायथं सन्धारयन्तु इति निवेदनम्. रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः. नृत्यादिकं वैशिष्ट्यं प्रदर्श्य सम्प्रति विनिवर्तनस्य कालः अस्ति समुपस्थितः. तर्हि अनुज्ञापयन्तु नृत्याङ्काद् एतस्माद् अस्मान्, प्रतीक्षन्तां च नवं पुनरपि विशिष्टं च अङ्कं भवन्तः. तावद् वयम् अधुना तु यामः, परम् अचिरात् पुनर्मिलामः. प्रणमामः, नमस्यामः. सुयज्ञ विनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा.
चंदन